नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और ऑस्ट्रेलिया से घूमकर आ चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में रणभेरी बजने वाली है अमेरिका दौरे की। लेकिन इस दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा क्या घबराई हुई है? किसी बात का डर लग रहा है क्या? दरअसल जब से राहुल गांधी को लेकर कोर्ट ने एक फैसला आज किया है, उस वक्त से ही पूरी भाजपा अब बौखलाई हुई है। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि राहुल गांधी को लेकर कोर्ट का यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मोदी जी और पूरी भाजपा इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। कर्नाटक में मिली हार का गम भुलाने के लिए जैसे ही मोदी जी जापान पहुंच गए और वहां G7 में गेस्ट के तौर पर गए थे, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट इस तरीके से हुआ कि भारत को यह समझ में नहीं आए कि G7 की बैठकों में क्या हुआ, कि जापान में प्रधानमंत्री मोदी की कितनी वैल्यू बढ़ गई है, दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ उनके संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया। लेकिन जिस इवेंट में उन्होंने कहा, वो इवेंट क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आयोजित की थी? नहीं, ये डिप्लोमेसी की जब बात होती है तो ये सब बातें डिप्लोमेसी के तहत नहीं आ सकती कि 20,000 प्रवासी भारतीयों को आपने गैदर करके एक इवेंट किया, उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने उन भारतीयों के सामने मोदी जी की तारीफ कर दी। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के सामने मीडिया के जो तीखे सवाल आए उसका जवाब देते उन्हें भी नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई पीएम हाउस के बाहर वैसे भारतीय जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, जो मोदी जी की नीतियों से खफा रहते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के आवास तक को घेर लिया था। वहां जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये सारे इवेंट मैनेजमेंट वाले दरकिनार कर देते हैं, इन बातों की चर्चा भारत में नहीं होने देंगे। भारत में तो यह लगेगा कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का कद कितना बड़ा हो गया है, भारत में मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं और विदेश में भी कहीं उससे ज्यादा लोकप्रिय है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, हर जगह इसी तरीके की बातें देखने को मिले। और भारतीयों को तो कम से कम यही संदेश मिले कि डिप्लोमेटिक जीत भारत की हो गई है। लेकिन जरा ठहरिए, इसे आप डिप्लोमेसी नहीं कह सकते हैं। अब इसके साथ ही बात राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी को लेकर कोर्ट ने यह कहा कि आप विदेश जा सकते हैं। राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर जो एनओसी की मांग थी वो दे दी गई है। हालांकि मांग 10 साल की हुई थी लेकिन 3 साल की मिली है। और मोदी जी को अमेरिका जाना है, ठीक उससे पहले राहुल गांधी को अमेरिका जाना है। राहुल गांधी पिछली बार जब विदेशी दौरे पर गए थे तो उस वक्त उन्होंने कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी कहा, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा गया। इसके बाद तो तमाम लोग राहुल गांधी के बारे में यह कहने लगे कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत का अपमान कर दिया। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे माइक को म्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की थी, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अपनी राय रखी थी। अब मोदी जी को चिंता इस बात की सताने लगी है कि जैसे ही पासपोर्ट पर एनओसी मिल गया है, उसके बाद राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान लगाने निकल पड़ेंगे। इस संबंध में पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं, पीएम मोदी से इसका कनेक्शन भी बताया गया है। इसको लेकर आप एबीपी न्यूज की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। डिटेल में इनके दौरे के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके चलते मोदी जी को भी टेंशन हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 28 मई को राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। वे अपनी 10 दिवसीय अमेरिका की यात्रा की शुरुआत इसी दिन करने वाले हैं। इससे पहले उनका 31 मई से जाने का प्रोग्राम था, लेकिन राहुल गांधी 29 से 30 मई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे। जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। जी हां, राहुल गांधी के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है। इसका पोस्टर भी जारी हो गया है। ये सारी चीज जानने के बाद पूरा भाजपा ब्रिगेड और प्रधानमंत्री मोदी भी सोच में पड़ गए हैं, घबरा उठे कि इस बार अगर राहुल गांधी वहां गए तो मोदी सरकार की किन गलत नीतियों के बारे में बोलना शुरू करेंगे और पोल पट्टी खोलनी शुरू कर देंगे।
इसके बाद अगर मोदी जी वहां जाएंगे, जो कि राजकीय भोज का कार्यक्रम है, जो बाइडेन ने उन्हें बुलाया है, वहां जाने के बाद क्या मोदी जी से भी कुछ सवाल वहां की मीडिया पूछ सकती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से लोगों ने कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि आप कम से कम ये सवाल जरूर पूछिएगा कि राहुल गांधी के सांसदी जाने की वजह क्या है। आप उनसे पूछिएगा कि लोकतंत्र के कमजोर करने का आरोप इस भाजपा सरकार पर वहां भारत में लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मानवाधिकार के मामले पर भारत कमजोर क्यों है? यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर क्या सवाल करेंगे? ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर सवाल नहीं पूछे गए। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, भारत में वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में अपनी राय रख देंगे तो क्या होगा? वैसे तो अब हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है, कुछ भी चीजें छिपती नहीं है। लेकिन भारत से एक बड़ा नेता जब विदेश जाता है तो मीडिया उनसे उन सवालों की झड़ी जरूर लगा देता है जो वहां के देश से जुड़ी होती है। तो भारत से कनेक्टेड जो सारी चीजें हैं, चाहे वो लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करने का मुद्दा हो, मानवाधिकार का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, राहुल गांधी के खुद सांसदी छिन जाने का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मामले पर सवाल तो पूछे जाएंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर भी पूछे जाएंगे कि भारत में प्रेस इतना कमजोर कैसे हो गया, रैंकिंग इतनी नीचे क्यों गिर गई है। ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिस पर राहुल गांधी खुलकर राय रख देंगे और उसके बाद फिर से मोदी जी को लेकर विदेशों में अलग राय बनेगी। और इतनी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री मोदी इवेंट मैनेजमेंट के सहारे गोदी मीडिया के दम पर विदेशों में अपनी छवि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में इतनी बड़ी हार मिली, मोदी जी ने जबरदस्त रोड शो किया, बावजूद इसके कुछ भी काम नहीं आया, हिंदुत्व का एजेंडा वहां काम नहीं आया। ये सारी चीजें पीछे छोड़ने के लिए मोदी जी सीधे सीधे विदेश जब गए तो तमाम इवेंट मैनेजमेंट का सहारा लिया गया। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि आप तो बहुत फेमस हैं हमारे अमेरिका में, हमारे अमेरिकी भारतीयों के बीच में, हम आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री आकर उनका पैर छूने लगते हैं। ये सारी तस्वीरें बहुत ही सलीके से कवर की जा रही थी और उन्हें सोशल मीडिया में और गोदी मीडिया में वायरल भी कराया जा रहा था। उसके बाद जो कसर रह गई थी उसे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 20,000 भारतीयों के बीच खड़े होकर कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप बॉस हो, हमने इतनी भीड़ यहां पर एक बार अमेरिकी रॉक स्टार के शो में देखा था, फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी, आप तो वाकई में बॉस हो। अब इस स्टेटमेंट के बाद मोदी जी गदगद, पूरी बीजेपी गदगद, गोदी मीडिया खुश कि देखिए विदेश नीति में हमारे मोदी जी कितने अव्वल हैं। कूटनीतिक जीत इसे कहा जाए, डिप्लोमेसी की अगर बात हो तो मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है। लेकिन यह कोई सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं, ये वहां के स्थानीय भाजपा जो समर्थक नेता होते हैं या फिर लोग होते हैं या फिर वहां के जो भारतीय हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं, उन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो इसे आप ऑस्ट्रेलिया सरकार का कार्यक्रम तो नहीं कह सकते। ऐसे में ठीक उसी तरीके से जब मोदी जी अब अमेरिका जाएंगे, उससे पहले राहुल गांधी को पासपोर्ट पर एनओसी मिल गया जिसे रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में खूब बहस कर रहे थे, उन्होंने जो दलीलें दी उसमें पूरी कोशिश थी कि राहुल गांधी को एनओसी नहीं मिले। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा तर्क यह दिया जा रहा था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है, राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो राहुल गांधी के पासपोर्ट को रोकने के लिए यहां तक कहा कि ये बार बार विदेश जाते हैं, इस वजह से इनके खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं उस जांच में रुकावट पैदा होती है, इसलिए इन्हें एनओसी जारी नहीं की जाए। लेकिन कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को खारिज करते हुए 3 साल के लिए एनओसी जारी कर दिया है। अब इस दौरान अगर राहुल गांधी पर चल रहे मामले निपट जाते हैं तो फिर राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यह मौका मिला है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भाजपा इस सोच में पड़ गई है कि राहुल गांधी अगर उनसे पहले अमेरिका गए, अगर उन्होंने वहां पर सारी बातों को तार्किक ढंग से परोस के रख दिया तो फिर मोदी सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा।
क्या कहेंगे, क्योंकि G20 समिट में भी कश्मीर में जो आयोजन हुआ था टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का, लेकिन उसमें कई ऐसे देश नहीं आए जिन पर मोदी जी दावा ठोक रहे थे कि इनसे बेहतर मित्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता। सऊदी अरब, इजिप्ट, ओमान, ये सारे कंट्री नहीं आए। वहीं चीन ने तो पहले ही मना कर दिया, चीन और भारत के संबंध ठीक नहीं है। तो ऐसे सवाल लगातार उठने लगे हैं, क्या मोदी जी कूटनीतिक स्तर पर सिर्फ अपनी छवि चमकाने में ही सफल हो पाए? भारत के नेतृत्व की जब बात आती है, भारत को कूटनीतिक जीत मिले, दुनिया के देशों में भारत की धाक जमे, क्या उस मामले पर यह सरकार कुछ कर पाई है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हैं, जिसमें गौतम अडानी का भी मामला शामिल है। अब देखिए, जब राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे तो उस वक्त उनके भाषण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर उसके तुरंत बाद जब मोदी जी जाएंगे तो उनसे कैसे तीखे सवाल किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।